ग्वालियर की गल्ला मंडी में किसानों के साथ हो रहा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ, जहां मंडी के व्यापारियों द्वारा काफी समय से नापतोल कांटे में हेरफेर करके अनाज खरीदने में धांधली की जा रही थी, जिसके चलते किसानों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल ग्वालियर स्थित गल्ला मंडी में पिछले काफी दिनों से व्यापारियों द्वारा तोल कांटों के जरिए अनाज की नापतोल में गड़बड़ी की जा रही थी। किसानों की मेहनत की कमाई को व्यापारियों ने अपनी लूट का जरिया बना दिया था, लेकिन यहां लगातार हो रही लूट के बाद किसानों ने दो व्यापारियों के नापतोल कांटों को जब्त कर लिया और मंडी का कामकाज रोककर मंडी प्रबंधन और आढ़तियों के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि यहां इस फर्जीवाड़े में मध्य प्रदेश के मंत्री लाखन सिंह के भांजे कल्याण सिंह यादव का नाम प्रमुख रूप से आ रहा है। मैं कल सरसों की दो ट्रॉली लेके आया, मैंने कांटे पे तुलवाई तो 22 क्विंटल मेरी थी, तो 22 क्विंटल में इनने 28 किलो काट दी। अच्छा। बोले 5 किलो भाई के लिए और 1 किलो से भी ज़्यादा काट दी मेरी, मतलब 22 किलो कटना थी मगर इनने 28 किलो काट दी। मैंने जी पूछा और क्या है जी, तो बोले भाई साहब वो तो पूरी मंडी में ऐसा ही हो रहा है। क्या कारण है, क्यों काटते हैं वो तो सब? मैं बोले हमारी यूनिटी है काटने की। कांटे में जो कमी आई है उसमें क्या कहना है? ये कांटे में जो कमी आई है ना भाई साहब, इलेक्ट्रिक कांटे हैं जो अंदर से कर देते हैं, किसान पढ़े लिखे नहीं है, इनमें एक नीचे खटका लगा हुआ है उससे ये कम ज्यादा कर देते हैं। वो वाले कांटे हो तो उसमें किसान को दिखेगी। किसानों का जो गल्ला तोला जा रहा है दोनों इलेक्ट्रॉनिक कांटों में अंतर आ रहा है। एक तोल पर 320 ग्राम का अंतर तो अभी हमने पकड़ा, बाकी इनने क्या कर रखा है क्या पता है? ये सभी कांटों में है, कितने कांटे अभी हैं? अभी तो दो ही कांटे आए हैं, यहाँ बाकी कांटे तो आए ही नहीं है। उन्होंने बंद करके रख दिया अंदर कमरों में। ये कितने तुलवाए हैं, कौन तुलवा रहा है और इसमें जिम्मेदार कौन है कि आपकी तोल कम हो रही है? अभी मंडी कमेटी के अधिकारी बुला लिए गए हैं, भीतर बातचीत चल रही है, तो अभी ये लोग जाँच कराने का आश्वासन हम लोगों को दे रहे हैं। और भीतर किसान जो है वो मोर्चे के जनाते के नाते किसानों के द्वारा फोन आया कि मंडी के अंदर किसानों के साथ अनियमितताएं बरती जा रही है, जो फसल खरीदी जा रही है उसके अंदर व्यापारियों के द्वारा यहाँ पे इन्होंने कांटों पे छेड़छाड़ कर रखी है। जो कांटे अभी सेक्रेटरी साहब के माध्यम से जो जब्त किए गए हैं उसमें 300 ग्राम का अंदर है दोनों कांटों के अंदर। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सारे व्यापारियों के कांटों में काफी गड़बड़ी है। दूसरा यह 3% की आड़त ली जा रही है, पूरे प्रदेश के अंदर आड़त बंद है, वो आड़त यहाँ पर 3% काटी जा रही है और व्यापारियों किसानों को नगद पैसे भी नहीं दिए जा रहे, महीने महीने पर उनको किसानों को चक्कर लगवाया जा रहा है। और दूसरा ये है कि जो यहाँ पर कुछ आड़तियाँ हैं वो मोनोपोली लगाकर सिंडिकेट के तरीके से काम कर रहे हैं, वो 1-2-3 कर किसान की फसल को किसी भाव में ले लेते हैं। किसान बेचारा गरीब गांव से बड़ी मुश्किल से आता है पैसे के लिए, चलो फसल बेच के अपना कुछ घर गृहस्थी का सामान लेके आऊंगा, लेकिन यहाँ पर सिंडिकेट काम कर रहा है वो 1-2-3 कर किसान की फसल को उन्होंने पौने दाम में खरीद कर रहा है। दूसरा वो किसानों के बांटों में उसको किसान को नुकसान पहुंचा रहा है। और दूसरा ये धर्मकांटे से भी अगर किसान 22 क्विंटल की तुला के लेके आता है उसमें 28 किलो काट रहे हैं। अभी आपने किस तरह की शिकायत की है क्या? अभी हमने जी कहा कि मंडी के अंदर कुछ यहाँ पर कुछ लाखन सिंह के भांजे हैं, जो कल्याण सिंह वो अपने आप को दुर्गा देवी फर्म के नाम से किसानों के साथ में उन्होंने मंडी की अभी मैंने पर्ची दिखाई है उसमें आड़त भी काटी है, किसानों के साथ अवैध व्यवहार कर रहे हैं और राजनीति रसूख का किसानों को दाब ध्वस्त कर मंडी के अंदर। लाखन सिंह कौन है? लाखन सिंह मंत्री हुआ करते थे यहाँ से भितरवाल से, अभी मंत्री हैं। अब तो जो समय बताएगा है क्या नहीं? आज ऑफिस की छुट्टी थी, मैं थोड़ा लेट हो गया था ऑफिस आने में, तो झाला जी ये जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा के उन्हें फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे किसान जो तौल में गड़बड़ कर रहे हैं, तो मैं वहाँ से दौड़ते हुए भी आया और दो कांटों की जांच की तो उसमें कुछ अंतर पाया गया, उसको जब्त कर लिया, उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। और भी जिनने जो गड़बड़ी की है उनका सबने लिख के दिया है, मैं सारी सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।